कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें डाल देते हैं फ्रेंड रिफाइंड ऑयल। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, मेरे घर में चावल बना है, और ये देखिए मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, और ये दही रखा है, और यहाँ पे दो सूखी मिर्च रखी हूँ, और थोड़ा से प्याज रखी हूँ कट करके तड़के के लिए, और यहाँ पे देखिए वो क्या बोलते हैं धनिया, और यहाँ पे देखिए मिर्ची और हरा धनिया, और पकौड़े के लिए मैंने मिला रही हूँ फ्रेंड। तो चल रही हूँ क्योंकि वैसे तो कढ़ी बनाने जा रही थी, लेकिन बेटे का मन हुआ पकौड़े खाने का, तो चल रहे हैं बेटे के लिए पकौड़े बनाने। तो आप सभी बने रहिए, आप सभी को भी मिलेगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बुरा मत मानना दोस्तों। और वैसे बुरा भी क्या मानने की बात है यार, आप सब तो मेरे दोस्त हो। तो थोड़ा कच्चा लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड बेटा ने बोला कि पकौड़े खाने हैं, और देखा तो बेसन ही तो नहीं था, तो मैं क्या करा, गेहूँ के आटे के पकौड़े बना ले रही हूँ खाने के लिए। ये देखिए गेहूँ काटा है, और जो बेसन है उसके मैं कढ़ी बना लूंगी, क्योंकि क्या करूँ, अब बच्चे हैं, बोल दिया तो बनाना तो पड़ेगा, और घर पे कोई उस तरह का है नहीं कि जो दुकान से ला सके, तो इसलिए मैं चल रही हूँ बनाने। गेहूँ के आटे का बच्चों का मन रखने के लिए पकौड़े बना देते हैं, और बाकी के सभी लोगों के लिए कढ़ी। तो फ्रेंड हाथ में लगा है वो, अब इसको धो लेंगे और पोंछ लूंगे कि हाथों में लगा। कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें डाल देते हैं फ्रेंड रिफाइंड ऑयल, क्योंकि बेसन का नहीं बना रहे हैं, पर बच्चों का मन रखने के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा। जो कि मेरा बेटा है वो बोला कि मम्मी मुझे पकौड़े खाने हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, बेसन थोड़ा ही है, और सब्जी भी कोई नहीं है कि जिसके मैं बेसन के पकौड़े बना दूँ और सब्जी बना लूँ। फ्रेंड तेल गर्म हो गया है, अब यहाँ पे मैं पकौड़े चुलाना शुरू कर देती हूँ। मैंने बस एक धान के ही लिए साना है, क्योंकि मेरा बेटा जिद कर रहा था पकोड़े के लिए, वरना मैं बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बेसन था नहीं और मजबूरी भी थी कि किसी से मंगवा लूँ। तो बना के सबसे पहले बेटे को दे देते हैं खाने के लिए, उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। चावल मैंने पका लिया है, इसमें नमक हमने फ्रेंड पहले ही ऐड करके रखा था। ये फ्रेंड ये बन रहा है पकौड़ा, और अभी इतना बचा है बनाने के लिए, और इधर इतना रखा है, और ये दही मैंने फेट कर रख लिया है, और इधर बेसन भी मैंने फेट कर रख लिया है, ये देखिए, और इधर मसाला भी। तो फ्रेंड मैं भी इधर पकौड़े बना रही हूँ, बस बन चुका है, थोड़ा से बचा है, इसको बनाने के बाद बस चलती हूँ बेटे को खाने के लिए देती हूँ, और उसके बाद कढ़ी, तो कढ़ी चावल ही बनेगा। और देखिए कितना टेस्टी टेस्टी गेहूँ के आटे का पकौड़ा, पर हाँ था बनाने का, तो इसका ऑर्डर था तो मुझे तो बनाना ही पड़ा, क्योंकि बेसन ही घर पर ख़त्म था, तो क्या कर सकते हैं। फ्रेंड इधर पक रहा है, चलती हूँ अपने बाबू के लिए दे आती हूँ पकौड़े, क्योंकि वो चार दे रही हूँ, देखती हूँ कितना खाता है। तो आइए बने रहिए, बाबू लीजिए आपके लिए मैंने गर्म गर्म पकौड़े लाए हैं, कैसे हो, खुश हो कि नहीं।
इतना कम क्यों ले आए हो? इसलिए ये खुश तो है नहीं, खुश है इसलिए क्योंकि इतना कम ले आए हूँ ना, तो मेरा बाबू खा लेगा तो और मैं दे दूंगी। तो फ्रेंड खाएगा एक ही, लेकिन ऐसा बोल रहा है उसको देखने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी पकौड़े मैंने बना लिए, बेटे को खाने के लिए भी दे दिया है, और इसमें जो तेल ज्यादा है उसको मैं निकाल लूंगी, उसके बाद कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा सारा रिफाइंड है तो इतना खराब होगा, जरूरत ही भर के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले प्याज में डाल देती हूँ तड़के में, उसके बाद ये हरा धनिया डाल दूंगी तड़के में ही। लाल हो चुका है, इसमें डाल देती हूँ दो हरी मिर्च, अरे वो लाल मिर्च सॉरी दोस्तों। और यहाँ पे जो हमने मसाले लिए हैं, घोल का पानी में रखा है, इसमें नमक वमक सब मैंने मिला रखा, तो सबसे पहले मैं मसाले डालूंगी। जो लोग कढ़ी के साथ मसाला डाल देते हैं क्योंकि वो मसाला पकता तो है नहीं, कच्चा ही रह जाता है, तो इसलिए मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मैं तो भाई कढ़ी में पहले सबसे मसाला ही डालती हूँ, और मसाला पकने के बाद मैं दही डालूंगी। मम्मी, हाँ मैं इसे चला लूं। चला लूं। ठीक है। तो फ्रेंड दही मैंने डाल दी है, दही को अच्छे से मसाले में मैं फेंट लूंगी क्योंकि वैसे भी मैंने फेंटा था, मूंगफली बिल्कुल भी नहीं थी, तो मसाले के साथ जरूरी है फेंटना थोड़ा सा, और गैस हमेशा धीमा करके दही डालना चाहिए फ्रेंड, वरना दही फट जाती है। तो यहाँ पे जो मैंने घोल बनाकर बेसन का रखी थी उसको डाल दे रही हूँ। तो दिखाती हूँ फ्रेंड तड़के के बाद कैसे कढ़ी दिख रही है, देखिए। और अभी पकने के बाद इसका जो कलर आएगा वो आप सब बने रहिए तभी देख पाओगे कि कैसे हमारे घर में कढ़ी बनती है। और हमारा ड्राई फ्रूट टूटा है इसलिए मेरे को ढंग से दिखाते नहीं बन रहा है। तो ये देखिए पानी थोड़ा मैंने ज्यादा ही रखा है क्योंकि वो तो अपने। तो जब तक फ्रेंड उधर कढ़ी पक रही मैं भी चख लेती हूँ कैसे पकी है, कैसे बना है गेहूँ पकौड़े। वैसे सच में खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो आपको फ्रेंड मैं करीब से दिखा रही हूँ कि कैसी कढ़ी पकने के बाद दिख रही है। ये देखिए देखिए फ्रेंड हमारी कढ़ी जो है पक चुकी है क्योंकि कम से कम इसको आधे घंटे मैंने पकाया है ढककर, और गैस को बंद कर देते हैं। तो लीजिए गर्म गर्म पकौड़े खाइए, और कढ़ी चावल जिसको खाना है कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू।